हेलो फ्रेंड्स, कुछ व्यूवर्स के और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि सर एक बार प्लीज़ आप अपने सेटअप्स का और आपके ऑफिस में जो सेटअप्स लगाए रखा आपने उसके वीडियो बनाए और प्लीज़ हम लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी कुछ आइडिया लग सके कि हम स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक कैसे अपग्रेड करें, कौन कौन से टूल्स हमें परचेज करने चाहिए, स्टार्टिंग में किस तरह के टूल परचेज करने चाहिए और धीरे धीरे हम किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। मेरी ऑफिस में लगभग इस बेसिक सेटअप भी लगा हुआ है और एडवांस लेवल तक के सारे टूल्स लगे हुए हैं। बच्चों के लिए और कुछ इंजीनियर्स हैं तो हमारा लेवल से कई इंजीनियर्स बैठ के सेटअप पे रिपेयर कर रहे होते हैं। बेसिक रिपेयरिंग से लेकर एडवांस लेवल तक तीन चरणों में हम लोग रिपेयर करते हैं। पहले नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए कार्ड लेवल के लिए दिया जाता है फर्स्ट इंजीनियर को, फिर उसके बाद चिप लेवल के काम शुरुआत करते हैं, फिजिकल से स्टार्ट करवाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग काउंटर्स हैं, रिपेयरिंग सेटअप्स हैं जिस पे अलग अलग काम किया जाता है। उसके बाद फाइनली मेरे एंड पर तक आप पहुंचता है वो रिपेयरिंग के लिए, अगर नहीं रिपेयर हो पाता है। मोस्टली 10 में से एक ही मेरे पास पहुंचता है, बाकी 9 तो हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा रिपेयर कर लिया जाता है। रही बात मैकबुक रिपेयरिंग की तो वो मेरे द्वारा देखा जाता है, कमाल सर के द्वारा और राम भाऊ हैं, तीन इंजीनियर्स हैं जो स्पेशली मैकबुक को देखते हैं, जिनमें बेसिक्स लेवल पे राम भाऊ देखते हैं, फिर थोड़ा सा और अगर कुछ होता है और मैं अनुपस्थित हूँ उस समय कमाल सर, उसके बाद फाइनली मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये सारे सेटअप्स के बारे में ही मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन किस जगह पे कौन बैठते हैं। ठीक है, हालांकि अभी शाम का टाइम हो चुका है, 8:30 बज रहे हैं, लोग जा चुके हैं, केवल मैं हूँ और कमाल सर हैं ऑफिस में, वो अभी कुछ साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग किया है उन्होंने। मैं पहले इनसे, हेलो कमाल सर, हेलो, आपने सुबह ब्रश नहीं किया था क्या? इस टाइम ब्रश कर रहे हैं। ये ब्रश नहीं किया था। अच्छा, ये तो वही बोर्ड है जो अभी आया था क्लाइंट लेकर, जिसके बहुत बुरा कंडीशन था, LVDS कनेक्टर खत्म था एकदम। ये तो बिल्कुल अभी साफ हो गया। चलिए ठीक है, देखिए अल्ट्रासोनिक करने के बाद ये साफ सफाई चल रहा है। चलिए अभी हमें पहले बेसिक सेटअप है जो हमारा, यहाँ पे फर्स्ट लेवल की रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए बेसिक सेटअप के लिए एटलीस्ट आपके पास पावर सप्लाई होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं SMD, और ये स्कीमेटिक्स के देखने के लिए कंप्यूटर लगाया हुआ है, और ये आप देख पा रहे हैं एक सनशाइन DT17N, और ये एक है सस्ता सा T12 नाम का आयरन। ठीक है, इफेक्टिव आयरन है। ठीक है, और ये कुछ स्क्रैप बोर्ड और ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं एयर पंप है, ये मैग्नेट है, कुछ इन्होंने सेटअप्स और ट्वीज़र वगैरह जो भी है, ये बिट क्लीन करने के लिए है, ये फ्लक्स है। ठीक है, सोल्डरिंग वायर वगैरह, ये बेसिक सेटअप है। ये पहला सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड लेवल का काम किया जाता है इस सेटअप पे, कुछ मोर लैपटॉप्स रिपेयर करके आई थिंक ये लगाए गए हैं टेस्टिंग के लिए, ये चेक हो रहे हैं, और उसके बाद फिजिकल टेस्टिंग के लिए यहाँ पे ये सेटअप लगाया गया है। फिजिकल टेस्टिंग के लिए एक तो माइक्रोस्कोप ये लगाया गया है, दूसरा ये टीवी व्यू है, साथ के साथ टीवी लगा हुआ है, टीवी व्यू कैमरा। ठीक है, इसको डिसकनेक्ट कर रखा है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो इससे कनेक्ट कर लेते हैं बच्चे माइक्रोस्कोप से, और ज़रूरत पड़ती है तो टीवी व्यू से। ठीक है, ये इन्होंने निकाल के रखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, कंप्लीट है, वर्किंग है। ये हमारा अल्ट्रासोनिक क्लीनर, ये बेहतरीन चीज़ है, ये एडवांस में आता है अभी फ़िलहाल कह सकते हैं। दूसरा एक सेटअप ये है, यहाँ पर भी लैपटॉप ओपन किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं, ये मैट है ताकि स्क्रैच ना आए नॉर्मल। ये एक बेसिक सेटअप है जहाँ पे ये पावर सप्लाई हो गई, और यहाँ पे आयरन हो गया T12 आपका स्कीमेटिक देखने के लिए। ये मल्टीमीटर एक मैकेनिक का है। ठीक है, ये हो गया आपका SMD। ये तो बेसिक सेटअप्स हैं,
ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ पे हमारे कमाल सर बैठते हैं, अभी वो सीट से बाहर हैं जब अल्ट्रासोनिक कर रहे हैं, तो दिखाया है मैंने। ठीक है, ये इनका कुछ ऑर्गेनाइज़र है सामान को स्टैंड रखने के लिए। और देखिए कमाल सर भी बेसिक्स जो विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप है ऑलमोस्ट इनके द्वारा ही फिनिश कर दिया जाता है, रिपेयर कर लिया जाता है। और इनके सेटअप पे देखते हैं हम लोग क्या क्या ये यूज़ करते हैं। SMD पावर सप्लाई, ठीक है। और क्या यूज़ कर रहे हैं कमाल सर, ये कुछ ऑर्गेनाइज़र ट्रे रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज कुछ प्रोसेसर्स वगैरह, टिश्यू पेपर, मल्टीमीटर, दो दो मल्टीमीटर, आई थिंक एक की बैटरी ऑफ हो गई है लग रहा है। ठीक है, ये इनका DSO, एक ये नया मैकेनिक का पेस्ट मंगा के रखा हुआ है, इन्होंने खोला नहीं है शायद, डब्बा इनका गंदा है। ठीक है, बाकी ये प्रोग्रामर RT809H, और साथ में बगल में है इनके पास SVOD3। ये आयरन यूज़ कर रहे हैं बाकोन 942, जो कि कंटिन्यूसली हम लोग सेल भी कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वही प्रोडक्ट हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट में से हम लोग जनरली आपको रिकमेंड भी करते हैं, यानी कि हम लोग टूल्स में DT17N बेचते हैं, आपका पावर सप्लाई में QJ3005XE, बाकोन में 870A, हमारे पास प्रोग्रामर दो मिलेंगे RT809H और SVOD3। इसके अलावा कोई प्रोग्रामर ना हम लोग रिकमेंड करते हैं और ना ही सेल करते हैं। ये ESD मैट, ठीक है, और फ्लक्स आपकी मैकेनिक की मिल जाएगी, MTEC की मिल जाएगी। ठीक है, ये बिट क्लीनर्स वगैरह आप देख पा रहे हैं, पूरा सेटअप आप देख लीजिए। इस सेटअप पे कंप्लीट रिपेयरिंग ऑलमोस्ट हो जाती है। ठीक है, विंडोज़ बेस्ड जितनी रिपेयरिंग होती है ये एनफ है, आप कह सकते हैं मीडियम रेंज का सेटअप बना कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद जब आप और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा सेटअप आप देख सकते हैं। ये मेरा सेटअप है जहाँ मैं बैठ के वर्क करता हूँ। हमने भी कुछ ऑर्गेनाइज़र जैसे बोर्ड आपस में टच ना हो तो उसके लिए स्टैंड लगा रखे हैं ताकि आपस में स्क्रैच ना करें, क्योंकि कई बार बोर्ड अगर आप हफ्तों तक रह जाते हैं तो एक दूसरे से टकरा कर कुछ कंपोनेंट ऐसे ही टूट जाते हैं। तो ये फाइल ऑर्गेनाइज़र आते हैं जिनको हम लोगों ने ये बोर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये है मेरा बोर्ड का ट्रे जिसके अंदर बोर्ड रखे हैं जो रिपेयरिंग करने के लिए। कुछ ये स्क्रैप बोर्ड हैं, देख पा रहे होंगे इसमें, और ये अभी कुछ टूल्स परचेज किए गए हैं सेल के लिए, ये जाने वाले हैं। तो ये नया वर्जन का थर्मल सेंसर कैमरा PCB, ये थर्मल सेंसर कैमरा ठीक वही है जो केनली का है, यही इसके अंदर ये नया है, रेडी है किसी को शिप करने के लिए। ये हमारा बोर्ड का स्टैंड ही है, बोर्ड हम वन बाय वन यहाँ पे स्टैंड करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे मेरे सेटअप पे कुछ मल्टीमीटर्स देख रहे हैं, जैसे ये मल्टीमीटर यूनिट का ये यूज़ करता हूँ, ये है विथ DS ऑसिलोस्कोप है लेकिन ये यूज़ में नहीं आता, इसको हम यूज़ ही नहीं करते, इसके बजाय हम लोग ऑसिलोस्कोप ये यूज़ करते हैं, UTD2102CEX पावर सप्लाई यूज़ करते हैं 5 एम्पियर की, ये दिखाया हमने, 10 एम्पियर की पावर सप्लाई है जिसका है QJ3010E। ठीक है, ए BY3200, ये सिंगल एडाप्टर के अंदर कंप्लीट आपके एप्पल के तीनों ही चार्जर आ जाते हैं। और देख पा रहे होंगे कुछ ये मेरे पास भी ऑर्गेनाइज है। ठीक है,
कमाल सर देखिए ये ओवेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने जो अल्ट्रासोनिक किया है उसको मॉइस्चर फ्री लिक्विड फ्री करने के लिए ये ड्राई करेंगे, इसको हीट करेंगे 150 डिग्री 15 मिनट, राइट? हाँ जी। और हम लोग बीजे मशीन यूज़ कर रहे हैं DHC1, DH-C1। VD इंटेलिजेंस हम लोगों ने परचेज किया, बट कह सकते हैं ये मशीन काफ़ी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हम लोग नेक्स्ट नई मशीन की प्लानिंग कर रहे हैं। और भी मैं बता देता हूँ, मैं जैसे ये शॉट किलर यूज़ करता हूँ थर्मल सेंसर के साथ साथ, दोनों इस्तेमाल करता हूँ, इन दोनों के कम्बिनेशन से माइनर शॉटिंग निकालना आसान हो जाता है मेरे लिए। और ये मेरा छोटा प्यारा सा लैपटॉप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी अभी मैंने डेस्कटॉप लगाया है, जिसके साथ दो मॉनिटर्स मैंने कनेक्ट कर रखे हैं, एक पे बोर्ड व्यूअर और एक पे स्कीमेटिक जनरली ओपन कर लेता हूँ। ये है मेरा माइक्रोस्कोप जिसको मैंने कस्टमाइज़ करके बना रखा है, देख रहे होंगे, जिसमें 0.5 का लेंस नीचे लगा हुआ है और लेंस प्रोटेक्टर लगा है जिसके ऊपर मैंने ये LED को हैंग कर रखा है। आपका हेड है, हेड ठीक ठाक क्वालिटी का है। ये 2K मेरा कैमरा है, देख पा रहे होंगे। एक ये अभी रिसेंट मैंने एक लाइट परचेज की है, जिससे क्या हो रहा है कि स्क्रीन पे आप देखेंगे कंपोनेंट की विजिबिलिटी बढ़ गई है, इसको जब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं जनरली। कोई भी बोर्ड अगर देखते हैं, जैसे देखिए कंपोनेंट के स्क्रीन पे विजिबिलिटी बढ़ गई है एकदम। सो आई रिकमेंड कि एक्स्ट्रा लाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे विजिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। ये मेरा एनालॉग CRO साइंटिफिक का 30 MHz SM410 एनालॉग CRO और वो DSO, ठीक है। ये मेरा मैं यूज़ कर रहा हूँ सुगोन का 8610DX। ये हैं मेरे आयरन्स जिसमें क्विक का ये TS1100 है और TS1200 1200 दो। ये मेरा प्रोग्रामर RT809H, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये बॉक्स में स्टेंसिल सेट्स हैं और स्टेंसिल सेट्स DS908। ये बस यही है, ये स्मोक ऑब्जर्वर 2UUL करके, देख पा रहे हैं, ठीक है। थर्मल सेंसर कैमरा, ये हमारा ओवेन, फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये बीजे मशीन रामबाऊ, ये भी बेसिक सेटअप के साथ बैठे हुए हैं मेरे सपोर्ट करने के लिए, जस्ट मेरे बाजू में मैक्स रिलेटेड मेरी हेल्प करते रहते हैं। ये देख पा रहे होंगे इनके पास अपना ये सेटअप पे लगा रखा है इन्होंने एक DSO, इस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, उस SMD का इस्तेमाल करते हैं और ये भी T12 नाम का आयरन यूज़ कर रहे हैं। सो ये बेसिक सेटअप्स हो गए, साथ के साथ मेरे साथ ये चीज़ें हैं कंप्लीट, देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये मेरा है मल्टीमीटर का बैटरी रिचार्जेबल, ठीक है। सो ओवरऑल आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि मेरे सेटअप पे क्या क्या हमने लगा रखा है। तो और किसी चीज़ के बारे में जानना है, कहाँ से परचेज़ करना है वो जानना है, तो मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे 8800420011 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लिक्विड्स भी हैं हम लोग यूज़ करते हैं PCB के लिए, देखिए ये क्लीनिंग के लिए IP के जगह पे इसी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बोर्ड पे चपचपावन नहीं होता है। ओके, एक बार फिर दिखा देता हूँ। और ये रहा, सो फ्रेंड्स एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई इनमें से कोई टूल्स परचेज करना है, कोई भी डिवाइस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कौन सी डिवाइस कितने वॉट की होनी चाहिए, कौन सी डिवाइस अच्छी है, हम लोग जनरली हमेशा टूल्स परचेज करते रहते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं, सो जनरली उन टूल्स का फीडबैक भी आप हम लोगों से ले सकते हैं, ठीक है।
और किसी भी प्रकार के टूल्स की परचेजिंग के लिए हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 8800420011। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।